Hello everyone. So welcome back to Geeks for Geeks, and we are back with our competitive programming series next lecture. And in this lecture we are going to discuss about sorting algorithms. Right? So in the previous sessions we had discussed a few questions based on arrays. Theek hai, we have seen the searching algorithms also. So we'll start with sorting algorithms today. Just give me a minute. Okay. So we have basic, like the basic sorting algorithms are like we have bubble sort. Okay. We have insertion sort. We have selection sort. Then we have merge sort, quick sort. तो मतलब ये basically वो है जो सबसे basic है जो आपको at least पता होने चाहिए, right? Instead of them we have heap sort also, right? We have radix sort, we have counting sort. So in this particular session we'll be discussing all of them basically. But in this session we'll be discussing the first three and then we'll start with the next ones. ठीक है, तो सबसे पहले इनका basic intuition देख लेते हैं कि actually ये कैसे काम करते हैं, right? So okay, so the first thing is bubble sort, right? तो इसमें basically क्या होता है, whenever we talk about sorting, this is the most simplest algorithm जिससे मतलब हम basically sorting start करते हैं, right? क्योंकि यहाँ आके क्या होता है ना कि सबसे like we can say कि कोई भी area अगर आपको sort करना है तो जो आपके mind में सबसे easiest solution आता है वो that is actually bubble sort, right? So let's say I have an array here, let's say it contains 4, 5, 1, 3, 2. ठीक है, तो अभी आपको क्या पता है कि यार आप ना सोर्ट कैसे कर सकते हो, आप आइटम्स को स्वैप करके सोर्ट कर सकते हो, राइट? तो इन बबल सोर्ट व्हाट वी डू इज, सबसे पहले देखो इसमें ना वी कॉल दिस एज अ पार्सिंग एल्गोरिथम ऑल्सो. ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब जब तक कि आपका पूरा एरे सोर्ट नहीं हो जाता तब तक यू विल कीप ऑन स्वैपिंग द एलिमेंट्स. ठीक है, आप इन दोनों एलिमेंट्स को चेक करोगे सबसे पहले. ठीक है, इफ दे आर इन द करेक्ट ऑर्डर. So you can see that 4 is already less than 5, so you don't need to do anything. You will just simply write it like 4, 5, 1, 3 and 2. ठीक है, अब आप क्या करोगे, now you need to check for 5 and 1. ठीक है, अब आप इन दोनों को compare करोगे. So you can see here that 5 is greater than 1. ठीक है, तो अब आप इन दोनों को swap कर दोगे. So in the next iteration it will be like this will be 1 and this will be 5. ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को swap कर दिया. Now after this you will be comparing these two. So again 3 is less than 5, so 3 should be before 5, so this will be 3 now, this will be 5, and same goes for this part now, so this will be 2, this will be 5. ठीक है, so the finalized array will be 4, 1, 3, 2, 5. कुछ नहीं किया, दो एलिमेंट्स का सेट लो, उनको स्वैप करते जाओ. अगर पहले वाला एलिमेंट इज स्मॉलर तो स्वैप नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी स्मॉलर है. अगर स्मॉलर नहीं है तो यू हैव टू कीप ऑन स्वैपिंग द एलिमेंट्स. ठीक है, लेकिन इफ यू नोटिस वन थिंग हियर, ऑब्वियसली एक बार आप पूरे एरे को अगर स्वैप करोगे तो उससे एक बात नहीं बनेगी, यू कैन सी द एरे इज नॉट येट सोर्टेड, राइट? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग अगेन. कब तक करते रहेंगे, जब तक कि वी डोंट कवर द इंटायर एरे, मतलब जब तक कि हमारा पूरा एरे सोर्ट नहीं हो जाता तब तक वी विल कीप ऑन डूइंग दिस. अब क्या करोगे, नाउ अगेन यू विल स्टार्ट विद द सेम थिंग. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, सो यू विल स्वैप 1 and 4. ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर करो, नाउ यू विल स्वैप 3 and 4. फिर इन दोनों को कंपेयर करो, यू विल स्वैप 2 and 4, एंड दीज टू आर इन द करेक्ट ऑर्डर इटसेल्फ. सो द फाइनलाइज्ड एरे हियर विल बी 1, 3, 2, 4 and 5, राइट? तो अभी भी अगर आप देखोगे एरे इज नॉट सॉर्टेड, राइट, अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग. 1 and 3 को चेक करोगे, दे आर इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट? नाउ यू विल चेक फॉर 3 and 2, दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस विल बी 2, दिस विल बी 3. ठीक है, इन दोनों को चेक किया, ऑलरेडी सही है. इन दोनों को चेक किया, ऑलरेडी सही है. सो यू हैव टू स्टॉप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे, दैट वी कीप ऑन मूविंग लाइक यू नो टिल द लाइक विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, विल कंपेयर इट विद द नेक्स्ट एलिमेंट. ठीक है, हर बार हम क्या कर रहे हैं, विल जस्ट कीप ऑन स्वैपिंग द एलिमेंट्स. ठीक है, आपको सिर्फ एलिमेंट स्वैप करते जाना है जब तक कि आपका पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता.
राइट. सो हाउ लाइक व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर? ऑब्वियसली वी बी नीडिंग टू लूप्स हियर. तो हम इन डिटेल इसको डिस्कस कर लेंगे जब हम कोड पे जाएंगे अभी बबल सूट के. बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर विल बी ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट. तो बेसिकली दिस इज अ थिंग इन बबल सॉर्ट. कुछ भी नहीं करना, एरे है ठीक है, दो एलिमेंट्स उठाओ, उनको कंपेयर करो. अगर जो पहले वाला एलिमेंट है दैट इज लार्जर देन द सेकंड वाला एलिमेंट, तो यू हैव टू स्वैप दोज एलिमेंट्स. देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू एलिमेंट सेट, देन द नेक्स्ट टू एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे आप एक बार मूव कर लोगे तो आपका एक पास खत्म हो जाएगा. दोबारा आओ ठीक है, फिर से वही चीज रिपीट करिए. तीसरी बार आओ, फिर से वही चीज रिपीट करोगे एंड सो ऑन, जब तक कि आपका एरे पूरा सॉर्ट नहीं हो जाता, राइट. सो आई जस्ट होप दिस इज क्लियर टू यू. तो इसका हम कोड देख लेते हैं पहले. या सी व्हाट वी हैव डन इज, हमें करना क्या है, हर बार वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे हम स्टार्ट करेंगे. कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस वन तक एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, अब ऐसे हमने एक जे का लूप ले लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप ऑन स्वैपिंग द एलिमेंट्स. हर बार क्या होगा, जो भी एलिमेंट सबसे बड़ा होगा वो आपका लास्ट में जाके शिफ्ट हो जाएगा, है ना. मतलब अगर फर्स्ट में अगर कोई एलिमेंट था, इसको आपने कंपेयर किया लेट्स से नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, तो ये 5 जाके यहाँ पे शिफ्ट हुआ पहले. ठीक है, लेट्स से इसके बाद 2 था फिर 3 था, तो 5 यहाँ आया पहले. फिर जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 5 यहाँ चला जाएगा. जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 5 विल बी इन द एंड. तो ये चीज क्लियर है कि जो भी आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट में शिफ्ट होता जाएगा आफ्टर ईच एंड एवरी पास, राइट. तो इसलिए हम एरे को कहाँ तक लेके जाएंगे, विल टेक इट टिल एन माइनस आई माइनस वन ओनली. कि इससे पहले मतलब इन दिस केस वी जस्ट नीड टू चेक टिल दिस पार्ट ओनली, क्योंकि ये तो पक्का अपनी सही पोजीशन पे जा चुका है ऑलरेडी, राइट. सो दिस इज अ बेसिक इंट्यूशन ऑफ बबल सॉर्ट हियर. अब ये जो हमने स्वैप यहाँ पे इसलिए लिया ताकि अगर हम कोई स्वैपिंग नहीं कर रहे, मतलब एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट. तो उस केस में आपको अगर आपने स्वैप किया ही नहीं तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू यू नो मूव इन द लूप इटसेल्फ. यू कैन सिंपली ब्रेक द लूप इन दैट केस. ठीक है, तो बेसिकली आपका ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट हो जाएगा अगर आप इसको यूज नहीं करोगे. तो अगर आपका एरे किसी पास के बाद सॉर्ट हो भी गया तो भी जब तक ये लूप्स खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसी में रिवॉल्व करते रहोगे, बट यू डोंट वांट दैट, राइट. सो इन दिस केस वी आर टेकिंग दिस बूल स्वैप्ड हियर. ठीक है, ये हमने एक बूलियन ले लिया यहाँ पे जिसको हम इनिशियली बोल रहे हैं फॉल्स. ठीक है, अगर स्वैप अगर हो रही है चीजें तो आप उसको ट्रू सेट कर दोगे. अगर एक भी स्वैपिंग नहीं हुई होगी तो मतलब आप इस इफ कंडीशन में आए ही नहीं, तो स्वैप कभी ट्रू होगा नहीं, मतलब वो फॉल्स है. तो यू हैव टू ब्रेक द लूप, मतलब एक भी आपका स्वैप हुआ ही नहीं एलिमेंट, मतलब दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट. सो आई जस्ट होप दिस इज क्लियर. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन सॉरी सॉरी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट, क्योंकि यू आर यूजिंग टू लूप्स हियर. सो दिस इज अ ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ बबल सॉर्ट. अगर आप ये चीजें नहीं यूज करोगे सो इन दैट केस मतलब वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा. बट अगेन यू जस्ट नीड टू रिमूव दिस स्वैप्ड वाला पार्ट. तो जब तक कि आपका लूप खत्म नहीं होगा तब तक यू विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन दैट. ठीक है, सो आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल हियर इज क्लियर. आई कांट सी एनी डाउट्स एज वेल. सो आई थिंक वी कैन मूव फर्दर. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट में बेसिकली आप क्या करते हो ना, हर बार एक मिनिमम एलिमेंट उठा के लाओगे, उसको स्टार्टिंग में प्लेस कर दोगे. मींस यू हैव टू बेसिकली यू नो लाइक वी कैन से यू विल डिवाइड योर एरे इनटू टू पार्ट्स. वन विल बी द सॉर्टेड पार्ट एंड वन विल बी द अनसॉर्टेड पार्ट. लेट्स से दिस इज योर एरे, इट कंटेन्स 4, 5, 1, 2, 8 अगेन. ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट हमारा अभी सॉर्टेड पार्ट है. ठीक है, ये वाला अनसॉर्टेड पार्ट है. इस पार्ट में से मिनिमम एलिमेंट उठाओ, दैट इज 1. ठीक है, इसको स्वैप कर दो इससे. सी सॉर्टेड पार्ट आप इनिशियली रखोगे, आपने सिर्फ क्योंकि एक एलिमेंट तो सॉर्टेड होगा, राइट. तो हमने बोल दिया कि ये वाला एलिमेंट आपका हमेशा सॉर्टेड रहेगा, दैट इज अ फर्स्ट वन. ठीक है, आपने क्या किया कि जो बचा हुआ जो एरे है जिसको हम अनसॉर्टेड पार्ट अभी के लिए बोल रहे हैं, उसमें से मिनिमम एलिमेंट निकाल के लाओ, दैट इज 1. इसको स्वैप कर दो सिंपली इससे. ठीक है, सो दिस इज 1 नाउ एंड दिस इज 4. नाउ देयर इज वन थिंग फॉर श्योर कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये पक्का सॉर्ट हो चुका है इससे पहले वाला. ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव में क्या कर लेंगे, द एरे इज दिस नाउ 1, 5, 4, 2, 8. ठीक है, या सोनू हैज अ डाउट, सो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक अप योर डाउट.
ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक चीज तो पक्की है यहाँ पे कि यहाँ तक आपका एरे पक्का सोर्टेड है, राइट? क्योंकि आप मिनिमम एलिमेंट उठा के लाए थे, और आपने अगर आपने स्वैपिंग की है या नहीं की, बेसिकली डिपेंड्स कि ये वाला एलिमेंट तो पक्का मिनिमम होगा ही होगा। अगर स्वैपिंग नहीं की मतलब कि ये ऑलरेडी मिनिमम था, और अगर स्वैपिंग कर दी मतलब एक मिनिमम एलिमेंट आपको मिला था जो इससे छोटा था, पर अब आपने इसको स्वैप कर दिया तो अब ये पक्का मिनिमम है, राइट? तो अब हम बोल देते कि हमारी सोर्टेड एरे इतना है एंड दिस इज द अनसोर्टेड एरे, लाइक वी नीड टू वर्क ऑन दिस पार्ट नाउ। ठीक है, अब इतने रिमेनिंग पार्ट में से मिनिमम एलिमेंट उठा के लाओ, दैट इज टू हियर। ठीक है, और इसको इससे स्वैप कर दो, सो दिस विल बी टू, दिस विल बी फाइव। नाउ द एरे इज 1, 2, 4, 5, 8। ठीक है, अब आप बोलो कि इतना एरे सोर्टेड है जिसमें से ये तो पक्का आप सोर्ट कर चुके हैं, दिस इज अनसोर्टेड। ठीक है, इतने पार्ट में से मिनिमम उठा के लाओ, दैट इज फाइव। इसको कंपेयर करो इससे, यार फोर तो ऑलरेडी फाइव से बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो यू डोंट नीड टू मेक अ स्वैप हियर। ठीक है, देन इट विल बी 1, 2, 4, 5, 8। नाउ दिस इज सोर्टेड, दिस इज अनसोर्टेड, मिनिमम उठा के लाओ, दैट विल बी 8 अगेन। 8 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 5, सो यू डोंट नीड टू टच इट। ठीक है, जैसे आप लास्ट में आओगे मीन्स आपका एरे सोर्ट हो चुका। यू कैन सी 1, 2, 4, 5, 8। एक्चुअली अरे यहीं पे सोर्ट हो गया था, बट हाउ योर एल्गोरिदम विल गेट टू नो दिस, राइट? तो वो तो अपना पूरा लूप चलाएगा। सो अगेन यहाँ पे आप दो लूप्स यूज कर रहे होगे, है ना? हर बार लाइक यू नो द सेकेंड लूप विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, एंड द फर्स्ट लूप विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ। सो अगेन इट विल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो लेट्स सी द कोड। ओके, तो आपने क्या किया, आपका जो पहले वाला जो लूप चलेगा ऑब्वियसली जीरो थे इंडेक्स से चलेगा, और जो नेक्स्ट वाला चलेगा जहां पे भी आपका आई है अभी, है ना, उससे आई प्लस वन करके हम चला रहे थे कि अगर हमारे लेट्स से सोर्टेड एरे अभी तक इतना है तो नेक्स्ट टाइम हम लेट्स से दिस वॉज 1, 5, 2, 4, 8, तो इन द नेक्स्ट स्वैप द सोर्टेड लाइक द सोर्टेड एरे विल बी दिस पार्ट, राइट? जब यहाँ पे टू आ चुका होगा दिस विल बी फाइव। देन इन द नेक्स्ट मूव हम नेक्स्ट वाले एरे से लेके सोर्टेड पार्ट को रिज्यूम करेंगे, सो जे विल बी एट आई प्लस वन। ठीक है, और आई को तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। नाउ व्हाट दिस मिनिमम इंडेक्स विल बी डूइंग इज कि हमने अभी के लिए रिज्यूम कर लिया कि हम जहां पे खड़े हैं ना वो आपके मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आपका अनसोर्टेड एरे है उसमें से आपको मिनिमम इंडेक्स वाला एलिमेंट निकाल के लाना था, है ना? तो आप हर बार उसको चेक करते रहोगे अपने मिनिमम इंडेक्स के एलिमेंट को एरे ऑफ जे से, कि अगर आपका एरे ऑफ जे आपको छोटा मिल गया मिनिमम इंडेक्स से, मतलब उस मिनिमम इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा कोई और एलिमेंट आपके अनसोर्टेड पार्ट में अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, अपने मिनिमम इंडेक्स को आप चेंज कर दो जे से एंड सिंपली स्वैप दोज टू एलिमेंट्स, है ना? मिनिमम को आप उस वाले एलिमेंट की जगह पे ले आओगे, उस वाले एलिमेंट को आप अनसोर्टेड पार्ट में लेके चले जाओगे। दिस इज हाउ इट वॉज वर्किंग, राइट? सो दिस वॉज सिलेक्शन सोर्ट। आई जस्ट होप इट इज क्लियर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, लेट्स से दिस इज एरे 4, 5, 1, 2, 8। आई यहाँ से स्टार्ट होगा, जे यहाँ पे इनिशियली। ठीक है, दिस इज द सोर्टेड पार्ट, दिस इज द अनसोर्टेड पार्ट। ठीक है, दोनों को चेक किया, फोर इज ऑलरेडी स्मॉलर, सॉरी दोनों को चेक किया। ठीक है, आपको करना क्या है, दिस इज नॉट बबल सोर्ट, सो यू डोंट नीड टू यू नो स्वैप ऑल द एलिमेंट्स, मतलब आप हर दो के सेट को चेक नहीं करोगे। बट वॉट वी नीड टू डू हियर इज वी नीड टू फेच आउट द मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ दिस पार्ट, दैट इज वन, एंड यू नीड टू स्वैप इट विद दिस वन एंड टू। वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये आपका आई वाला लूप है, ये आपका जे वाला लूप है। ठीक है, कि जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फेच आउट द मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपने मिनिमम एलिमेंट लिया, और यहाँ पे क्योंकि आपको स्वैप करना था फिर, तो स्वैप के लिए हमने ये यूज कर लिया यहाँ पे, राइट? सोनू, आई कांट सी योर डाउट, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो आई जस्ट होप इट इज क्लियर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इन द वर्स्ट केस। ठीक है, सो जब हम बोलेंगे कि लास्ट तक आपका एरे सोर्ट नहीं हुआ है, इन दैट केस। ठीक है, तो आई जस्ट होप दिस इज क्लियर। सिलेक्शन सोर्ट, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज इन द वर्स्ट केस टिल नाउ इज ऑफ एन स्क्वायर। नाउ लेट्स डिस्कस इंसर्शन सोर्ट। ठीक है, गाइज इफ यू हैव एनी डाउट सो फार प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन।
ओके, आई कांट सी एनी डाउट्स, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट, राइट? ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, अगेन विल डिवाइड द एरे इनटू टू पार्ट्स, वन विल बी द सॉर्टेड एरे एंड वन विल बी द अनसॉर्टेड एरे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है. आप क्या करते हो, लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा सेकेंड वाले एलिमेंट से, ठीक है, जो कि ये वाला एलिमेंट है आपका, ठीक है. यू हैव टू पुट दिस एलिमेंट ऑन इट्स करेक्ट पोजिशन. इसकी करेक्ट पोजिशन क्या है, यू हैव टू पुट इट बिफोर 12, ठीक है? तो मतलब आपको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट्स 11 से बड़े हैं आप उनको इस पोजीशन पे लेके आओगे. मतलब लेट्स से 11 मैंने किसी की में स्टोर कर लिया कि अभी मैं 11 पे काम कर रही हूँ, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि 11 से जो भी एलिमेंट्स बड़े हैं, मतलब 12 इज ग्रेटर देन 11, सो यहाँ पे आप 12 ले आओ, ठीक है? और फिर 11 को आप इसकी जगह पे पुट कर दो, राइट? सो द एरे विल बी 11, 12, 13, 5 एंड 6. When it'll come to this part, जब आपकी मतलब यहाँ तक हो गया था, now we'll come to 13 part, so key will contain 13 inside it, ठीक है? अब आप क्या करोगे, 13 से पहले वाले एलिमेंट्स को आप चेक करोगे कि कहीं 13 इससे पहले वाले एलिमेंट से छोटा तो नहीं है, राइट? सो यू कैन सी दैट 11 एंड 12 बोथ आर स्मॉलर देन 13, सो वी डोंट नीड टू वर्क ऑन दिस, विल जस्ट सिंपली मूव ऑन टू द नेक्स्ट की, ठीक है? दैट इज 5, ठीक है? सो की कंटेन्स 5 नाउ, राइट? अब आप क्या करोगे, यू हैव टू पुट 5 इन इट्स करेक्ट प्लेस. सो सबसे पहले आप कंपेयर करना स्टार्ट करोगे इसको 13 से, ठीक है? 5 इज मतलब इससे पहले जो भी एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है? तो आपको बस क्या करना है, इस 5 को उठा के ले जाना है इसकी सही जगह पे. सो 5 आपको कहाँ लेके जाना है, सी सबसे पहले 13 को, मतलब आपने 5 को स्टोर कर लिया की में, ठीक है? अब 13 को ले जाओ आप यहाँ पे, ठीक है? फिर इन द नेक्स्ट मूव 12 को ले आओ यहाँ पे, फिर इन द नेक्स्ट मूव 11 को ले आओ यहाँ पे, एंड इन द नेक्स्ट मूव 5 को पुट कर दो यहाँ पे, राइट? सो द एरे विल बी 5, 11, 12, 13 एंड 6. नाउ योर की विल कंटेन 6 इनसाइड इट, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे 6 से. 6 हमारी की है, इससे पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करो, ठीक है? 6 इज स्मॉलर, तो 13 को ले आओ यहाँ पे, ठीक है? की में 6 ऑलरेडी स्टोर्ड है. नाउ यू विल कंपेयर दिस 12, ठीक है? तो 12 को ले आओ यहाँ पे. नाउ विल कंपेयर 11, 11 इज ऑल्सो लार्जर, सो 11 को ले आओ यहाँ पे. नाउ विल कंपेयर 5, तो 5 इज स्मॉलर देन 6, तो अब आपको स्वैप नहीं करना, जहाँ पे भी अभी आप करंटली वर्क कर रहे हो वहाँ पे जाके की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी 6, ठीक है? सो द सॉर्टेड एरे विल बी 5, 6, 11, 12 एंड 13, ठीक है? आई जस्ट होप इट इज क्लियर. मतलब यहाँ पे भी आपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं इस एरे की बात करूँ, ठीक है, तो इससे पहले वाला एरे वो सॉर्टेड, राइट? बट आप जिस की बात करो, आपको वो की उठा के सही जगह पे लेके जानी है. डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. उसमें आप पूरे एरे में से पहले मिनिमम निकाल रहे थे, फिर उसको स्वैप कर रहे थे, ठीक है? इन दिस केस आप जब जिस एलिमेंट पे अभी हो उसको आप की मान के उसको उसकी करंट लाइक करेक्ट लोकेशन पे आपको वो लेके जाना है, राइट? इन केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, अगेन इट विल बी टेकिंग ऑफ एन स्क्वायर इन द वर्स्ट केस, ठीक है? तो इसका भी कोड देख लेते हैं. सबसे पहले यू नीड टू हैव अ की, राइट? तो आप अभी जिस भी एलिमेंट पे हो वो आपने की में स्टोर कर लिया, ठीक है? जे इक्वल्स आई माइनस वन, क्यों? क्योंकि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है कि मान लो इफ दिस वॉज माई एरे, इट कंटेन्स लेट्स से 11, 12, 13, 5 एंड 6, ठीक है? तो अगर आपको 5 इसकी सही जगह पे लेके जाना है, की कंटेन्स 5 राइट नाउ, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आई माइनस वन से, बिकॉज दिस इज आई, राइट? की में क्या है आपका, एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई अगर मैं 5 बोल रही हूँ तो आई मतलब यहाँ पे हुआ ना, राइट? तो आपको क्या करना है, जे को आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक चेक करोगे, टिल द टाइम जे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे एंड सो ऑन, ठीक है? हर बार. और आप ये भी चेक करोगे कि अगर आपका एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन की, ठीक है, कि आपका एरे ऑफ जे जो है अगर वो की से बड़ा है, देन यू हैव टू मेक अ स्वैप, ठीक है? आपको क्या करना है, एरे ऑफ जे प्लस 1 पे जाके, मतलब जहां पे आप हो अभी उससे नेक्स्ट वाले पे जाके एरे ऑफ जे की वैल्यू रख दो. मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली 13 को आपको लेके जाना है इस जगह पे, है ना? तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम. इस 13 को उठा के यहाँ लेके गया, जे को जे माइनस 1 कर देना, जे इज दिस 1, ठीक है? फिर से क्या करोगे, एरे ऑफ जे प्लस 1 पे, मतलब यहाँ पे इफ दिस इज जे प्लस 1, राइट? यहाँ पे जाके आपको दिस इज जे प्लस 1, एरे ऑफ जे प्लस 1 पे जाके एरे ऑफ जे की वैल्यू रखनी है. सो एरे ऑफ जे प्लस 1 इज दिस 1, इस पे एरे ऑफ जे की वैल्यू रखनी है, दैट इज 12. सो इसको हटा के यहाँ पे 12 रख दो, ठीक है? फिर से आपको क्या करना है, एरे ऑफ जे प्लस 1 पे
एरे ऑफ जे की वैल्यू रखनी है, व्हेन दिस विल बी जे, दिस विल बी जे प्लस वन, सो दिस विल बी 11 हियर, ठीक है. अब आपका जे जो होगा वो दैट विल बी लेस देन जीरो, सो इन दैट केस यू हैव टू कम आउट ऑफ द व्हाइल लूप एंड योर एरे ऑफ जे प्लस वन विल कंटेन द की वैल्यू, ठीक है. तो जे वॉज माइनस वन इन दिस केस, क्योंकि जीरो से छोटा हो गया था, तो माइनस वन प्लस वन विल बी जीरो, तो जीरो इंडेक्स पे जाके यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ की, दैट इज फाइव. सो यू कैन सी इट इज 5, 11, 12, 13 एंड 6, ठीक है. फिर मैं अगर 6 की बात करूंगी, इफ दिस इज अ की, सो की कंटेन 6 नाउ, ठीक है. तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ अब, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यू हैव टू टेक द 6 राइट एंड यू नीड टू पुट इट इन द करेक्ट प्लेस. तो आप इसको 13 से कंपेयर करोगे, ठीक है. यू कैन सी कि 13 इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि आपको ये वाली कंडीशन भी कॉन्टिन्यूसली चेक करनी है, राइट. सो 12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 11 यहाँ पे आ जाएगा. व्हेन विल टॉक अबाउट 5, तो आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी, मतलब आप वाई लूप से बाहर आ जाओगे एंड यू विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ की एट दिस प्लेस, दैट इज 6. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. सो आई जस्ट होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. सो दिस वॉज द बेसिक इंट्यूशन बिहाइंड बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, राइट. इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, जो इन दोनों से बेटर है. थोड़ा सा समझना इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, मतलब ये बहुत ज्यादा सिंपल है, राइट. कन्फ्यूजिंग भी आपको लग सकते हैं सिलेक्शन एंड इंसर्शन, बट जस्ट बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की ही ऑफ एन स्क्वायर चली जाती है वर्स्ट केस में, ठीक है. सो गाइज, अगर कोई भी डाउट्स होते हैं, बिकॉज आई कैन सी एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, तो अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज यू नो आप आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो कमेंट्स में पुट कर सकते हो, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट, राइट. सो दिस वॉज ऑल दैट आई हैव टू डिस्कस इन दिस सेशन. जस्ट लेट मी नो अगर कोई भी डिफिकल्टीज आप लोग फेस करते हैं, तो विल डिस्कस दैम इन डिटेल, ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो. सो टुमोरो विल डिस्कस अबाउट मर्ज एंड क्विक सॉर्ट. सो थैंक.